एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है h प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एच माइनस 3। तो हमें ये चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास है h प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये सब h प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2 में h माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2h माइनस 6। ठीक है, सबको एक ही साइड में लेकर आएंगे। बोल सकते हैं कि h स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x, ये माइनस है तो इधर आने पे हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 0। तो यानी हमारे पास आया h स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 0। तो हमें ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में है कि नहीं है। देखिए, कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में तभी होगा जब वो ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी के फॉर्म में होगा। यदि इक्वेशंस जो है ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी के फॉर्म में रहेगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वरना नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। एक की जगह 1 एच स्क्वायर एक्स है नहीं, इसलिए बी को 0 मान लेते हैं प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, तो इसीलिए बोल सकते हैं हेंस द गिवन इक्वेशन Hence the given equations is a quadratic equation. Okay. तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको चेक करना था, आपने चेक कर लिया क्योंकि हम इसको सॉल्व किए, एच स्क्वायर प्लस 7 आ गया और एच स्क्वायर प्लस 7 ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी के फॉर्म में है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, बोल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, चेक करके बताइए। हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे है एच स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। तो एच स्क्वायर माइनस 2x इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 6 प्लस माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 2x, सबको एक ही डायरेक्शन में लेकर आते हैं। एच स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये तो देख रहा है कि ये एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी के फॉर्म में ऑलरेडी है, क्योंकि यहाँ पे 1 रखेंगे एच स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये इसको फॉलो कर रहा है, तो इसीलिए बोल सकते हैं Hence, the given equation is quadratic equation. Okay, ठीक है, अब आते हैं next questions पे। इसी तरह next questions भी है, हमें चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा एच स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं एच स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 3। ठीक है, दोनों को एक ही डायरेक्शन में लेके आते हैं। तो एच स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये क्या आया एच स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। एक स्टेप और ले लेते हैं, एच स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये आया प्लस 3 इक्वल टू 0। तो माइनस 2x माइनस माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0।
ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है ये भी चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है क्योंकि ये एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि एक कंडीशन ऑलरेडी ये होता है कि ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए जैसे ही जीरो हो जाएगा इसकी डिग्री वन हो जाएगी, और डिग्री वन हो जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बजाय लीनियर इक्वेशंस हो जाएगा। यहाँ पे ए को जीरो नहीं होना चाहिए, अगर इसको इस पे हम फिट करते भी हैं तो हमें ए को जीरो रखना पड़ेगा। मान लेते हैं जीरो एच स्क्वायर ठीक है माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो ए तो जीरो नहीं होना चाहिए, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए जीरो नहीं होना चाहिए, तो बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, बोल सकते हैं हेंस द गिवन इक्वेशन हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। ये भी बोल रहा है कि हमें चेक करके बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ओके, तो चलिए चेक करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, टू एच इंटू एक्स टू एच स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू एच सिक्स एच सिक्स एक्स, वन में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। ओके, दोनों को एक ही डायरेक्शन में लेकर आते हैं, टू एच स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। ठीक है, टू एच स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास आया एच स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को तो फॉलो कर रहा है, तो बोल सकते हैं कि ये एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसको ये फॉलो कर रहा है, तो जब इसको ये फॉलो कर रहा है तो यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लिख दीजिए हेंस द गिवेन इक्वेशन, हेंस द गिवेन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये भी यही पूछ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं सेम। तो यहां पे क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए टू एच स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स एक्स, ये भी माइनस ये भी माइनस, प्लस थ्री एच स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस एक्स माइनस फाइव। ठीक है, दोनों को एक ही तरफ लेके आते हैं, टू एच स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री ठीक है माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आएगा माइनस फोर एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। ओके, एच स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉलो कर रहा है, तो देख सकते हैं ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। यहां से आप ए बी सी का भी वैल्यू अगर चाहे तो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी को फॉलो कर रहा है, तो लिख सकते हैं कि हेंस द गिवेन इक्वेशंस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इक्वेशन हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
तो हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इजक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इजक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर, माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास आया सेवन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ये फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा लिखते हैं तो ए का वैल्यू आ जाएगा जीरो, जो पॉसिबल नहीं है। अगर ए का वैल्यू जीरो आया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ओके, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में ए का वैल्यू क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। तो हेंस द गिवेन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन सेवन। यहां पे क्या दिया है, एच प्लस टू का होल क्यूब इक्वल टू टू एच इंटू एच स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो यहां होल क्यूब है, तो सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, यही होता है। ओके, तो इसी फॉर्मूला पे इसको हम ब्रेक कर देंगे, एक इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, और इसी तरह से हम इसको ब्रेक कर देंगे। ओके, तो चलिए करते हैं। तो हमारे पास आएगा एच स्क्वायर सॉरी एच क्यूब प्लस एट, ठीक है, प्लस सिक्स एच स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स इक्वल टू टू एच क्यूब माइनस टू एक्स। तो सॉल्व करने पे हमारे पास ये है। ओके, इसको इस सेम डायरेक्शन में लेकर आते हैं, तो हमारे पास क्या आया, एच क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस एट माइनस टू एच क्यूब प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो। इसको माइनस करेंगे क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास आया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को फॉलो नहीं कर रहा है। बोल सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ये फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एच क्यूब है, यहाँ पे तो एच क्यूब है ही नहीं। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये इस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो लिख लीजिए, हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर एट। ठीक, इसमें भी क्यूब है, तो इसको भी इसको ए माइनस बी के होल क्यूब पे ब्रेक कर दीजिए। ओके, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी माइनस थ्री ए बी स्क्वायर, तो इस पे हम ब्रेक कर देंगे इसको। तो इसको तो फर्स्ट वाले को इसी तरह नोट कर देते हैं, एच क्यूब माइनस फोर एच स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एच माइनस फोर का
एच माइनस टू का होल क्यूब। ओके, तो एच माइनस टू का होल क्यूब अगर करते हैं तो क्या होगा, एच क्यूब माइनस एट माइनस सिक्स एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12x, ठीक है। तो इसको हम देख करते हैं प्लस 12x, तो इसको चलिए चेकआउट करते हैं, एच क्यूब माइनस फोर एच स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस इक्वल टू जीरो, तो आएगा टू एच स्क्वायर माइनस थर्टीन एच माइनस ट्वेल्व एच माइनस एक्स माइनस थर्टीन एक्स, ठीक है, प्लस वन प्लस एट प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। तो देख रहे हैं कि ये एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी को फॉलो कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं टू एच स्क्वायर माइनस थर्टीन एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, तो ये इसको फॉलो कर रहा है, तो इसलिए बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हेंस द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर हो गई बातें, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर वापस। तो ये क्वेश्चन नंबर वन के एट क्वेश्चंस थे, ठीक है, जिसमें हमें ये बताना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अब दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं, ये क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारे क्वेश्चंस में सिचुएशंस है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में लेकर आना है, जिससे इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड हो सके। हमें इसको फाइंड आउट नहीं करना है, बस इस तरह की इक्वेशंस को लेकर आने हैं। यहाँ पे क्या दिया है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसमें कंडीशन दिया है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, जो लेंथ है ब्रेथ के दोगुने से यानी कि ट्वाइस से एक ज्यादा है, तो हमें लेंथ और ब्रेथ के लिए ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना है, ठीक है, हमें सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने हैं। तो चलिए देखते, तो मान लेते हैं कि हमारे पास, देखिए जो फाइंड आउट करना होता है अक्सर हम वही मानते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं लेट्स द ब्रेथ ऑफ प्लॉट, मान लेते हैं प्लॉट का ब्रेथ जो है एक्स मीटर है, ठीक है, और लेंथ क्या होगा इसका, ठीक है, अगर लेंथ देखेंगे तो लेंथ के बारे में क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ प्लॉट 2x प्लस वन, दोगुना से एक ज्यादा, तो 2x प्लस वन हो गया, ठीक है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो इसका जो एरिया है, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो जो इसका एरिया है 528 है और लेंथ इसका क्या है 2x प्लस वन और ब्रेथ कितना है x है, तो 528 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x, ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में देखा जाए तो क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस x, ये इसको इस साइड लेकर आते हैं माइनस 528 इक्वल टू जीरो आ गया। तो ये जो इक्वेशंस है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास आए, ये लेंथ और ब्रेथ को फाइंड कर देगा, जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे एच की वैल्यू आ जाएगी, और एच की वैल्यू क्या है, ब्रेथ है प्लॉट का, और जब ब्रेथ निकल जाएगा तो लेंथ भी निकल जाएगा, तो बोल सकते हैं हेंस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए प्लॉट सटिस्फाई द इक्वेशन,
कौन सा इक्वेशन जो हमारे पास आया है। तो चाहे तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, नहीं है तो नहीं भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, हमने लिख दिया, चलो कोई बात नहीं है। तो ये हमारे पास आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें भी हमें सिर्फ सिचुएशंस दिखाना है। और क्या बोल रहा है इस सिचुएशन दिखाने के लिए, द पोडेट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर समझते हैं, ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो लगातार हो, टू के बाद थ्री, इस तरह से फाइव के बाद सिक्स, कोई भी हो सकता है, कि दो ऐसे पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर हैं जिसका प्रोडक्ट है 306, ठीक है। तो वो इंटीजर हमें चाहिए, लेकिन फाइंड नहीं करना है, सिर्फ उसका इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं लेट्स द फर्स्ट इंटीजर्स, मान लो पहला इंटीजर जो है वो एक से, ठीक है। तो नेक्स्ट तो उससे अगला होगा, अगर यहाँ पे कुछ भी मान सकते थे, डजन प्रॉब्लम, माल ठीक है। देयरफॉर द सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू एस प्लस वन, हेंस अगर इसकी प्रोडक्ट देखा जाए, ठीक है, इसकी प्रोडक्ट क्या होगी, दोनों का प्रोडक्ट एक्स और एक्स प्लस वन, और प्रोडक्ट हमारे पास दिया है क्वेश्चन के अनुसार, प्रोडक्ट कितना दिया है 360 इज इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 360 इज इक्वल टू जीरो। तो यही जो इक्वेशंस है वो क्या है, इस कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स को फाइंड आउट करेगा। तो हम चाहे तो स्टेटमेंट दे दें, ठीक है, चाहे तो नहीं दे, हमारा तो सॉल्यूशंस हो गया, यानी कि हमारे पास क्या पूछेगा, इक्वेशंस लेकर आने, तो हमने इक्वेशंस ला दिए, ठीक है। चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, तो द टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, ठीक है, टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर सटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आया है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 360 इज इक्वल टू जीरो, ओके। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसमें भी सिचुएशन दिखाना है, लेकिन इसमें क्या सिचुएशन है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर बड़ी है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, आज से 3 साल बाद दोनों के एज का प्रोडक्ट है, मोहन और मोहन की मदर का एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है, ठीक है। तो उनकी रोहन का प्रेजेंट एज फाइंड करना है, ऐसी हमें इक्वेशंस बनाना है जिससे उसकी प्रेजेंट एज फाइंड हो जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं, हमने पहले भी बोला था कि जो चीज़ फाइंड आउट करना होता है वही चीज़ हम मानते हैं। मान लो लेट्स रोहन एज, ठीक है, एक्स ईयर, रोहन का एज कितना है, एक्स ईयर है, देयरफॉर मदर एज एक्स प्लस 26 ईयर, ओके। उसकी मम्मी का एज जो है, उसकी माता का एज, उसकी मदर का एज उससे 26 ईयर बड़ी है, तो ऐड कर दिए। तो अब देखा जाए आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगा, अगर 3 साल के बाद देखेंगे कि रोहन का एज में क्या परिवर्तन आएगा,
आज जितने साल का है उससे 3 साल बड़ा हो जाएगा और क्या। तो रोहन एज अगर हम देखेंगे, आप तो 3 ईयर्स, तो एज प्लस 3 ईयर्स, ये हो गया। अगर रोहन की मदर का एज देखेंगे, ठीक है, वो भी जितनी साल की हैं उससे 3 साल और बड़ी हो जाएंगी, तो एन मदर एज एच प्लस 26 थी, 3 और बड़ी हो गई, कितना हो गया एच प्लस 29 ईयर्स। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनकी प्रोडक्ट जो है 360 है, यही तो बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ देयर एज क्या होगा, एच प्लस 3 इंटू एच प्लस 29, 26 प्लस 3 29, क्या दिया हुआ है अपने को 360। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, तो जैसे ही प्रोडक्ट करेंगे क्या है एच स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 32x प्लस 87, ठीक है, ये इधर को आएगा। तो एच स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आया कि एच स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। तो जो ये इक्वेशन आया यही इक्वेशन जस्टिफाई करेगा, इसी इक्वेशन के हेल्प से हम रोहन का एज निकाल देंगे, एज का वैल्यू आ गया, रोहन का एज आ गया, ठीक है। तो आप चाहे तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हेंस द एज ऑफ रोहन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। ए ट्रेन जो है 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही स्पीड से चलते रहता है मान लेते हैं। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि उसकी स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर जो है वो कम कर दी जाती है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। जितना अभी समय ले रहा है उससे 3 घंटे का अधिक समय लेने लगा, तो हमें उसकी स्पीड फाइंड करना है, ऐसा इक्वेशंस बनाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो मान लो कि लेट्स द स्पीड, ट्रेन का जो यूजुअल स्पीड है वह है एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये स्पीड है। हमें डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस क्योंकि दिया है जो हमें पता है कितना है 480 किलोमीटर, डिस्टेंस तो ये हो गया, स्पीड ये हो गया, टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी 480 बाई एक्स, इतने घंटे का समय लगेगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हम उसकी स्पीड को डिक्रीज कर रहे हैं, मान लो कि उसकी स्पीड को हम क्या किए, डिक्रीज किए। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ठीक है, देन टाइम टेकन, अगर उसकी स्पीड कम कर देंगे तो स्पीड तो कम हो गया, पहले था x अब हो गया h माइनस। अगर न्यू स्पीड की बात करें तो हमारे पास क्या हो गया, h माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, यही हो गया।
और हमें क्या निकला, कितना टाइम लेगा। तो अगर टाइम की बात करेंगे तो स्पीड डिस्टेंस तो वही है 480 किलोमीटर ही, लेकिन जो स्पीड है वो कम हो गया तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा। स्पीड कम हो गया तो टाइम ज़्यादा लगेगा। कितना ज़्यादा लग रहा है, जैसा कि क्वेश्चन बोला है, ठीक है, 3 घंटा का समय लग रहा है। यानी अभी जो समय है, ये जो समय है न्यू टाइम जो है, ठीक है, वो इतना लग रहा है, और पुराना टाइम जो है वो इतना लग रहा है। तो ये नया वाला टाइम जो है इससे 3 घंटे अधिक है, तो माइनस की इक्वल टू 3। तो 480 अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एच माइनस 8 ए 1/x इक्वल टू 3। ठीक है, इसको एलसीएम ले लो, एक्स इंटू एच माइनस 8, तो ये हो गया x माइनस 1 प्लस 8 इक्वल टू 3। तो ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 8 एच स्क्वायर माइनस 8x 3/480। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एच स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1280। तो ये हमारे पास आ गया। तो अगर इसको इक्वेशंस को देखा जाए तो एच स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशंस आया वो स्पीड को, ठीक है, द स्पीड ऑफ ट्रेन सेटिस्फाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो यानी ये इक्वेशन जो है इसकी स्पीड को फाइंड आउट करेगा, इसका वैल्यू निकाल देंगे, हो गया स्पीड, ठीक है। तो 4.1 में इतना ही क्वेश्चन था, मात्र 2 क्वेश्चन था, जिसमें फर्स्ट में 8 था, सेकंड में 4 था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम 4.2 NCERT का सॉल्यूशंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।